हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई, हमारी चाची 420 की जो झूठ की दुकान है वो फिर से खुल गई है, दोबारा से वो चालू हो गई हैं। और हाल ही उन्होंने अपने ब्लॉग में कल बताया कि किस तरीके से आमीन की गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है कि उनके बेटे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बात भी झूठ है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अगर सच में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता तो वो कैमरा लेकर ज़रूर दिखाती। जो इंसान अपने सुबह उठने से नारियल पानी से लेकर रात तक की कि क्या खाया, क्या पिया और क्या हुआ उनकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं, तो इतनी बड़ी बात कि उसकी गाड़ी ठुक गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो चीज़ वो हम पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती? ज़रूर करती, क्योंकि लास्ट टाइम जब अली का एक्सीडेंट हुआ था, उसका सच में ही एक्सीडेंट हुआ था, और वो उसकी गाड़ी जो है मोहतरमा ने हमें दिखाई भी थी कि कहाँ से उसको टक्कर लगी है और कहाँ से वो क्रैक हुई है। तो जब इनके लाडले बेटे की गाड़ी ठुक गई और कह भी रही है कि बहुत बुरे तरीके से ठुकी है, बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मैडम को नुकसान की चिंता नहीं है, बेटे की चिंता है, तो फिर भाई वो चीज़ हमारे साथ शेयर क्यों नहीं की? हमें वो ठुकी हुई गाड़ी क्यों नहीं दिखाई? जब तुम अगर तुम पहली वाली भी नहीं दिखाती तब तो हम मानते, यार चल इसने पहले भी नहीं दिखाई थी और अभी भी नहीं दिखाई, लेकिन तुमने पहले वाली गाड़ी जो ठुकी थी वो तो दिखा दी थी, ये वाली क्यों नहीं दिखाई? और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो अर्शिया है उसके पैसे जो हैं वो गाड़ी पर लगे हुए हैं, उसने भी पैसे दिए थे, जो भी है इस तरीके की कोई बात सुनने में आ रही है। और अभी हो सकता है कि वो अपने पैसे वापस मांग रही हो या फिर ऐसी कोई बात है, तो उन सारी चीज़ों को झोल मोल करने के लिए मैडम ने ये बहाना लगा दिया है कि उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, तो एक तो ये सबसे बड़ा झूठ। सेकंड झूठ एक और है कि मैडम रोज़ा रखती हैं, जो कि सभी को पता है, लेकिन इनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है ना हम लोग पकड़ लेते हैं। और इनके व्यूवर्स भी देखते होंगे, लेकिन वही है ना कि आर्ग्यूमेंट करना उनकी आदत है, वो अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे हमको देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसे नहीं ऐसा हुआ होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने वो डाइट कोक वाली वीडियो डाली थी, तो उस पर बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने डाइट कोक पिया है तो वो उसी टाइम पिया है, हो सकता है इफ्तारी के टाइम पिया हो सकता है सहरी के टाइम पिया हो, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। लेकिन उन लोगों को जो है वो मेरी बहन नाजू इंडियन ब्लॉगर ने जवाब दे दिया है बहुत अच्छे तरीके से, जाकर आप लोग उनकी वीडियो देख सकते हैं। और तो सेम उन्होंने अपने कल वाले ब्लॉग में किया, जब ये रात को अंडा बना रहे थे, अंडा बना के अंडा पाव जब लेने गया था बुड्ढा, और बुड्ढा जब ऑमलेट बना रहा था वो, तो उस टाइम की बात है कि तब भी मैडम के मुँह से एक बात निकलती है कि ये नारियल पानी है ना, चल एक तू पी ले और एक मेरे लिए रख दे, मैं सुबह पीऊँगी। तो सुबह तुम कैसे पियोगी? सहरी करने के बाद तो इंसान कुछ खा पी नहीं सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये झूठ पकड़ा जाता है कि मैडम जो है वो रोज़ा नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी दिखावा करती हैं, झूठ बोलती हैं कि रोज़ा रख रही हूँ। और बहुत बड़ा एक रीज़न जो है वो कल नाजू इंडियन ब्लॉगर ने अपनी वीडियो में जो है वो बताया था कि मैडम को जो है बीपी और शुगर, लो शुगर की, लो बीपी की, दोनों की ही दिक्कत है। और ऐसी दिक्कत जब इंसान को होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इंसान भूखा रह पाए या फिर रोज़ा रख पाए, क्योंकि उसके शुगर का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, और जो बीपी है वो लो चला जाएगा। और ऐसा होने से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, कभी कभी तो हार्ट पर भी असर पड़ता है। तो मेन रीज़न ये है कि इन मोहतरमा को पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ये लेती रहती हैं, जिससे कि इनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। तो ऐसा इंसान रोज़ा नहीं रख सकता है, ठीक है? तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि वो, क्योंकि उनकी मजबूरी है, मैडम की मजबूरी है, मोहतरमा की मजबूरी है कि चलो वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं। लेकिन हमें दिक्कत इस बात से है कि झूठ क्यों बोलना, झूठ किस बात का? नहीं रखती हैं कोई बात नहीं, कोई आपके घर थोड़ी आ रहा है आपको पूछने कि भाई हाँ, कोई गोली थोड़ी मार रहा है कि रोज़ा क्यों नहीं रखा। तो उस चीज़ को आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि भाई मेरा हेल्थ इशू है, मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता है, डॉक्टर ने मना किया है, कुछ भी, तो मैं नहीं रखती हूँ। तो ये झूठ का दिखावा क्यों करना है, झूठ मूठ का, ठीक है? और आपके बच्चे भी रोज़ा नहीं रखते हैं,
अली का तो पता नहीं, लेकिन छोटे वाला तो बिल्कुल नहीं रखता है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल बुढ़े का पता नहीं, बुढ़ा रखता होगा, उसका तो वो ही जाने, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन पता नहीं ये झूठ की दुकान कब तक चलेगी, कब तुम्हारा ये झूठ बंद होगा।